नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट की तरफ से ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकली हुई है। ग्रुप बी की पोस्ट है, लेकिन आपके जो सिलेबस है वो आपके ग्रुप सी के ही हैं, तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट रखा गया है कि ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा, लेकिन ग्रेजुएट में कम से कम एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट इंग्लिश से नहीं होना है, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट इंग्लिश का होना है, या इंग्लिश से आपने ग्रेजुएट किया है कोई भी भर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसका स्टार्टिंग डेट है आपके कल से ही ये फॉर्म भरना चालू हो गया है। 11/11/2022 तक भरा जाएगा। लास्ट डेट फॉर जो पेमेंट है वो ऑनलाइन आप 13 तक कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो टेंटेटिवली दे रखा है 8/1/2023 को होगा, यानी कि जल्दी। देखिए, इसका एग्ज़ाम जो होता है कोर्ट वगैरह का, वो जल्दी हो जाता है और रिजल्ट वगैरह भी जल्दी हो जाते हैं। और अगर हम बात करें कि पे स्केल, तो लेवल 6-7 के हैं, तो यहाँ पे आपको 80,000 के स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिल जाएगी। और यहाँ पे देख लेते हैं कितने सीट है, तो 39 यहाँ पे आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, अदर स्टेट वाले जनरल में आएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि और नीचे क्या दे रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, जो कि ऑब्वियस है कि जो इंडियन सिटीजन है वहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरिटल स्टेटस, यानी कि ए मेल कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन वन वाइफ लिव, और ए फीमेल कैंडिडेट हु हैज़ मैरिड ए पर्सन ऑलरेडी हैविंग वाइफ लिव सेल नॉट बी एलिजिबल, यानी कि आप डबल शादी ना कर रखे हो, और यही कहने का मतलब है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस वगैरह तो नॉर्मल चीज़ है, ये कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पे आपके जो एज क्राइटेरिया रखा गया है कि वो मिनिमम आपके यहाँ पे देख सकते हैं, एक कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर मस्ट नॉट बी बिलो 18, जो है वो आपके 1 जनवरी 2022 तक आपके 18 से जो है वो 18 वर्ष तक हो जाने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें कि जो एज क्राइटेरिया मैक्सिमम कितना रखा गया है अनरिजर्व्ड के लिए, 37 रखा गया है। फिर यहाँ पे अनरिजर्व EWS फीमेल के लिए 40 रखा गया है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं जो आपके कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो मिल जाते हैं, यानी कि अनरिजर्व में आप मैक्सिमम 37 रखा गया है। और अगर हम नीचे जाके देखें तो फिर यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिएगा जो है वो परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन वगैरह यहाँ पे दे रखा है, और कुछ इसमें कुछ खास है नहीं। वोमेन कैंडिडेट को 35%, ये सब जो चीज़ें हैं वो बिहार में मिलती है। चलिए, अब मोड ऑफ सिलेक्शन पे हम बात कर लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो 3 तरीके से सिलेक्शन होगा, रिटन टेस्ट, और उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट है। मिनिमम जो रिटन टेस्ट में 40% लाना है, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में भी आपके 40% मार्क्स लाने हैं, और 30 हम इंटरव्यू में लाने हैं, मिनिमम लाने हैं। इसके बाद ही आपके जो आगे जितना भी ला सकते हैं, मिनिमम इतना लाना ही है। अब हम बात कर लें कि कितना फी लगेगा, तो ये आप देख सकते हैं 1,000 लगेगा, और SC ST OH कैंडिडेट के लिए 500 यहाँ पे मांगा गया है फीस है। अब यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम सिटी है वो पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर, यही तीनों जगह होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट नेम ऑफ सिटी इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन विच, जो है वो आपको कहाँ पे देना है वो आप डिसाइड करेंगे अब फॉर्म भरते समय, कि आपको कहाँ पे एग्ज़ाम देना है, इन्हीं तीन सिटी में से आपको चूज करना है। चलिए, प्रोसीड्यूर ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह ये सब तो बात चीज़ें हैं। चलिए, जनरल इंस्ट्रक्शन जो एग्ज़ाम है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या पैटर्न है, और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम होगा, और कितना कितना नंबर किससे जुटेंगे। तो अगर हम यहाँ पे नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे आपके आगे सिलेबस स्कीम, यानी कि देखिएगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और उसके बाद आपके इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू आपके जो है वो टोटल 20 नंबर के हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहले देख लेते हैं रिटन टेस्ट में क्या है। जनरल इंग्लिश है, ऑब्जेक्टिव होगा OMR पे, और हिंदी है वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, और उसके बाद GK है वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि मैक्सिमम देखिएगा 30 क्वेश्चन, 30 नंबर, और यहाँ पे नॉन निगेटिव है, यानी कि आप 80 के 80 क्वेश्चन टच कर सकते हैं। मिनिमम 32 लाना है 45 मिनट में। उसके बाद यहाँ पे 15 मिनट का आपको गैप मिलेगा, उसके बाद आपको ट्रांसलेशन करना है 60 मार्क्स के, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी 60 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन होंगे,
शायद दो क्वेश्चन ही है, 30-30 मार्क्स के दो क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे भी 30-30 मार्क्स के दो क्वेश्चन होंगे 2 घंटे में, ये आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे ग्रैंड टोटल जो है वो 200 हो गए नंबर, ठीक है, 120 इसके, और यहाँ पे आपके जो है वो 80 ऊपर, यानी कि 200 क्वेश्चन हो गए, 200 नंबर के हो गए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टोटल घंटे कितने मिल गए, 3 घंटे होंगे, क्योंकि 15 मिनट यहाँ पे आपको गैप मिल गए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो 1.5 घंटे का जो है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें कि 10 क्वेश्चन या 10 मार्क्स के आपके जो एमएस वर्ड हो गया और एमएस एक्सेल से 10 मार्क्स के, और इंटरनेट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे, और 10 नंबर इसमें भी लाने हैं आपको। उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू में आपको यहाँ पे जो है वो 20 नंबर के इंटरव्यू हो गए, और टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑफ उर्दू बांग्ला कैथी, यानी कि ये सब जो आपके लैंग्वेज है उसमें अगर आप एक्सपर्ट है तो 5 नंबर उसके हो जाए। एक्सपर्ट इन द सेंस कि कुछ वर्ड आपको आने चाहिए, उर्दू के वर्ड आने चाहिए, उर्दू लिखा हुआ पढ़ा नहीं आना चाहिए, यानी कि जो है वो उर्दू के मतलब ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए, या बांग्ला वगैरह या कैथी वगैरह आनी चाहिए, तो उसके 5 नंबर मिलेंगे यहाँ पे। और इंटरव्यू में अलग से आपको 20 नंबर, यानी कि टोटल 25 नंबर के ये हो गए। यहाँ पे आपके जो मार्क्स जितने भी बने उसी के आधार पे, यानी कि टोटल नंबर जो हुए उसके आधार पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। और रिटन टेस्ट जो है उसका सिलेबस आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या हो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वोकैबल है, ये सब जो चीज़ें हैं। उसके बाद जनरल हिंदी में जो सिलेबस है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस के जीके के सिलेबस जो है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव जो है वो आप देख लीजिएगा कि जो किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी टारगेट द टेस्ट कैंडिडेट का ट्रांसलेशन, यानी कि जैसे ये इंग्लिश में लिखा है इसको हिंदी में आपको लिखना है, कहीं हिंदी में लिखा रहेगा तो उसको इंग्लिश में करके लिखना है। चलिए यहाँ पे दे रखा है कि जो सेक्शन होगा वो 2 पैसेज 4 ट्रांसलेशन कैरिंग 30 मार्क्स ईच, यानी कि मैंने अभी बताया कि 2 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, 2 क्वेश्चन होंगे 30-30 मार्क्स के होंगे। चलिए, और उसके बाद तो यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह है, तो और कुछ तो इसमें है नहीं। कहाँ से अप्लाई करेंगे, ये वाला जो वेबसाइट है इसको गूगल पे जाके टाइप कीजिए और यहीं पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उससे फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और जो भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।